नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के उस शो में आप जुड़ चुके हैं जिसका नाम रातों रात है। रातों रात में हम अक्सर इधर कुछ दिनों से विधानसभा क्षेत्रों का विश्लेषण कर रहे थे, लेकिन आज विश्लेषण ही है उन आंकड़ों के साथ। लगातार नीतीश कुमार 15 साल बनाम 15 साल पर चर्चा करते रहते हैं, उन चर्चों के बारे में आज हम आंकड़ों के साथ आपको बताएंगे। आंकड़ा बाबा के पास है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ है आज बाबा के पिटारे में, क्या कुछ बताएंगे आपको बाबा। इन सब के बारे में बहुत ही गहरी विश्लेषण है, आप इन सब चीजों के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है आपका इन सब मुद्दों पर जानना। तो बाबा बताइए क्या कुछ है आज आपके पिटारे में। प्रिया, सबसे पहले तो ये पूरा विश्लेषण कई कड़ियों में आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम अलग अलग विधानसभाओं की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के संभावित उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं, वैसे ही बिहार में 2020 के चुनाव से पहले कुछ ऐसी कड़ियाँ हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है। जी। जब 2015 की बात करते हैं हम, तो वहाँ परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थी। आप चले जाइए 2005 में, वहाँ परिस्थितियाँ दूसरी थी। 2010 की परिस्थितियाँ भी अलग थी, 1990 की परिस्थितियाँ अलग थी। आप 15 साल बनाम 15 साल कह तो सकते हैं, पर उसको प्रमाणित कैसे करेंगे? क्या आप सिर्फ जंगल राज कह देने से आप जंगल राज उसको प्रमाणित तो नहीं कर रहे हैं? एक परिवर्तन का दौर चाहिए था। लोकतंत्र में परिवर्तन को कहा जाता है कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। जी बिल्कुल, जब जब परिवर्तन हुए हैं तो जनता ये सोच करके परिवर्तन करती है कि स्थितियां बदलेंगी। जी। सरकार बदलेगी तो बहुत कुछ बदलेगा। इन पूरे 15 सालों में नीतीश कुमार के लोगों को बहुत भरोसा था। 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उन्होंने बहुत सारे खिलौने लेकर के आए थे जो बच्चों को अच्छे लगे थे, बुजुर्गों को अच्छे लगे थे, युवाओं के लिए भी वो खिलौने थे। जी बिल्कुल। उस खिलौने में बिहार का विकास था, बिहार में रोजगार था, बिहार की सड़कें बेहतर हो जाएंगी, बिहार की नदियाँ जुड़ जाएंगी, किसान की स्थिति बेहतर होगी, गरीबों को हर तरह का सुख सुविधा मिल जाएगा, मरीजों को इलाज मिल जाएगा, ये सारी सुविधाएं थी। और इसी लालच में, इसी आस में बिहार की जनता ने 2005 में बदला, सरकार बदला। हमने एक विश्लेषण किया था, उस विश्लेषण में हमने 2005 की दोनों स्थितियां बताई थी कि 2005 में दो चुनाव हुए थे। जब पहला चुनाव हुआ फरवरी में तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन वो नहीं बन सके। शायद प्रारब्ध नहीं था या फिर उनके पास उतना मादा नहीं था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रह सके। 29 सीटों वाले उस समय LJP के सुप्रीमो, आपने रामविलास पासवान का नाम तो सुना ही होगा, रामविलास पासवान चाबी लेकर के इधर से उधर हो रहे थे। बिल्कुल, वो भी 8 महीनों के बिल्कुल लिए। आपको याद होगा कि आपके साथ ही हमने विश्लेषण किया था, जिसमें हमने पूरा उसका खाका बताया था कि 2005 की स्थितियां क्या थी, उसके बाद की स्थितियां क्या थी। लेकिन प्रिया, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं कि 2005 के पहले चुनाव से लेकर के दूसरे चुनाव जो अक्टूबर में हुए थे, वहां से जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में यात्राएं शुरू हुई, उस यात्रा का एक पड़ाव आकर के 2015 के बाद 2020 में आ चुका है। जी। ये पड़ाव 2005 से 2010 तक कैसा था, तो आंकड़े हमें जो बता रहे हैं, उन आंकड़ों में हमारे पास दो आंकड़े हैं। एक आंकड़ा हमारे पास है 2005 के उन दो चुनावों के, एक चुनाव तो पहला 2005 में जो था, उस 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें नीतीश कुमार जी को 138 में से 55 सीटें मिली थी। जी। इसका अगर प्रतिशत हम देखें तो 22.63% था। ये बहुत मार्केबल है, मतलब इस बिहार की जनता ने जो वोटर्स थे, हम मान के चलते हैं कि 50% वोटर थे जिन्होंने नीतीश कुमार के 138 में से 55 सीटों पर जीत दिलाई, ये पूरा प्रतिशत 22.5% आता है। जी। इसको यहीं हम रोक के जाते हैं, लेकिन इसके बाद का जो कड़ी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्टूबर में जो चुनाव हुआ उसमें 139 सीटों पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। जी बिल्कुल, लेकिन सीटों की संख्या बढ़कर के 88 हो गई। जी। यानी कि 2005 के फरवरी में चाबी लेकर के जाना रामविलास पासवान का लोगों को नहीं भाया, और उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखने का प्रण जो बनाया था वो प्रण पूरा किया और उन्हें अधिक सीटें, 88 सीटें दे दी कि जिससे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। ये आंकड़ा और इसका प्रतिशत आप देखें तो 36.21% था, और ये आंकड़ा बताता है कि नीतीश कुमार बिहार में लालू प्रसाद के सत्ता, लालू राबड़ी के राज को खत्म करके स्थापित होने की स्थिति तक आ गए थे। इसमें हमने यह भी बताया था कि उस समय स्थिति क्या हुई थी, तो 2005 में जो स्थिति थी उसमें फरवरी में RJD को 75 सीटें मिली थी, जो RJD घसक करके 54 सीटों पर आ गई थी। जी। अगर 2005 की हम पहले चुनाव की बात करें तो जी। दूसरे चुनाव में सीटों की संख्या घट करके बहुत हो गई थी, 54 तक आ गई थी,
और जेडीयू की सीटें 55 से 88 हो गई थी, वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो 37 की जगह पर उन्हें 55 सीटें मिली थी, और रामबाल विलास पासवान जो लेकर के चाबी भाग गए थे उन्हें 10 की जगह पर 29 की जगह पर 10 सीटें मिली थी, यानी 19 सीटों का उनका नुकसान हुआ था। यानी कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के सुशासन और जंगल राज, तथा कथित जंगल राज की बात हम कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर लिया था और एक परिवर्तन के लिए वोट दिया था। अब इससे आगे का सफर हम तय करते हैं, 2010 की बात करते हैं। 2005 से लेकर 2010 में जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया, कुछ ऐसे काम भी किए जिस दौरान उन्होंने कई ऐसे अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनके जगहों को, उनके मकान को, उनके द्वारा भ्रष्टाचार से जमा की गई संपत्तियों को, सारे चीजों को सीज किया, और इससे लोगों में एक विश्वास लगा कि नीतीश कुमार सुशासन के एक चेहरा बन गए। जी बिल्कुल। यही नहीं, पूरे देश और दुनिया में नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में कहे जाने लगे। आप निश्चित समझ लीजिए, आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं, एक सामान्य सी बात है, जब दुकानदार आपको बेहतर ढंग से सामान देता है, अच्छे सामान देता है, क्वालिटी सामान देता है, दाम भी आप उचित लेता है और आपके साथ व्यवहार भी बढ़िया करता है, तो निश्चित है कि दूसरी बार भी उसके दुकान पर आप जाइएगा। बिल्कुल, एक भरोसा हो जाता है। बिल्कुल भरोसा हो जाता है। वही भरोसा 2010 में जनता को हुआ, और नीतीश कुमार को दोबारा जब चुनाव में आए तो विकास को और आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वोट किया गया। जी बिल्कुल। और तब बिहार की जनता ने 47.03% वोट दे करके नीतीश कुमार को 141 सीट पर लड़े थे, जिसमें 115 सीटें दी और लगभग उन्हें बहुमत अकेले दम पर दे दिया। जी बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं 122 के आंकड़े को पूरा करने के लिए 115 सीटें दे दी गई जी। और ये नीतीश कुमार का सबसे बेहतर समय था। जी बिल्कुल। इन सब बातों के बाद आगे बढ़ते हैं हम, आते हैं 2015 में, यहां स्थितियां बिल्कुल बदल गई। तब 2010 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ते हुए यहां पर नीतीश कुमार को जो पूरी तरह से बिहार की जनता ने उन्हें सीट दिया, उस सीट में 115 और 91 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और यहां एक मजबूत सरकार बनी और यह सरकार पूरी तरह से स्टेबल लग रही थी। लेकिन 2013 में यह सरकार ध्वस्त हो गई। नीतीश कुमार को लगा कि कहीं ना कहीं अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी, उन पर कॉम्युनल होने का बार बार आरोप लग रहा जी, बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में उन्होंने साथ छोड़ दिया। आगे 2015 में उन्होंने लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ा, और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के जोड़ी को भले ही सीटें तो बहुत ज्यादा दे दी, लेकिन वोट का प्रतिशत नहीं बढ़ा। जी बिल्कुल। 29.21% 29.21% यहां सीटें मिली, और 101 सीट में नीतीश कुमार को 71 सीट मिली। आप तुलना कीजिए कि जहां 2005 में नीतीश कुमार को फरवरी में 22.63 मतलब 22.63 मिला था, वही 29.21% मिलना, यानी कि बहुत बड़ा ग्राफ उनका नहीं बढ़ा। जी बिल्कुल। जो 2010 में हुआ वो चीजें नहीं दोहराई गई, और ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से सोचेंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई जिसमें नीतीश कुमार को इतना डाउनफॉल में जाना पड़ा। तो सीधी सी बात एक है कि लालू प्रसाद की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति थी, सामाजिक न्याय का उन्होंने एक नारा दिया था, और उन्होंने कहा था कि गरीब गुरबा को वो मुख्य धारा में ले आएंगे, आवाज बनेंगे जी। ये उनकी धारा थी, इसमें उन्होंने जातिवाद को बहुत ज्यादा प्रश्रय दिया। आज भी आप देखिए कि बिहार की राजनीति में जातिवाद सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है, और नीतीश कुमार के राजनीति की धारा क्या थी, तो सुशासन था जी। आज प्रश्न पूछे जा रहे हैं जी, आपको याद होगा जी बिल्कुल। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि बिहार जो है अपराध में नंबर वन है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है वो उतनी ही गिरी हुई है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति वही है, और कहीं ना कहीं लगातार तेजस्वी यादव अपने कोरोना का काल चल रहा है उसमें लगातार ये स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था के बारे में पोल खोलते आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कर रही हैं, उचित बात कर रही हैं प्रिया। ये पूरा माहौल जो बना था, इस पूरे माहौल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिए थे। नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, जिन्हें न्याय के साथ विकास की बात किया जाता था, नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है वाली बात कही जाती थी, वो नीतीश कुमार कहाँ आ गए, तो जातिवाद उन्होंने पकड़ लिया। आज बिहार के अधिकतर सेक्टर्स में आप जाके देखिएगा, वहां के वरिष्ठ लोग
उसी जाति से आते हैं जिस जाति से नीतीश कुमार हैं जी। और इस बात को लेकर के उन पर जातिवाद के अब आरोप भी लग रहे हैं जी, बिल्कुल। तो यानी कि जिस रास्ते पर लालू प्रसाद पहले चल रहे थे, जिसके बदले में, जिसके वनस्पत में उनके रास्ते को नहीं स्वीकार करते हुए बिहार की जनता ने 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का कुर्सी दिया था, वही नीतीश कुमार लालू के रास्ते पर चले जाएं तो निश्चित रूप से एक बड़ा लैंडस्लाइड अंतर आता है। और इस लैंडस्लाइड अंतर को बिहार की जनता कैसे स्वीकार करेगी, किस तरीके से स्वीकार करेगी, 2020 के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर सामने आ गया है। क्या नीतीश कुमार के सुशासन पर जातिवाद हावी है, ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब सभी खोज रहे हैं। आपको याद होगा कि हमारे स्टूडियो में जब संपादक नमन मिश्रा जी के साथ VIP के मुकेश सहनी बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने एक प्रश्न भी पूछा था कि क्या नीतीश कुमार अपने अधिकारियों के नाम जारी करेंगे जी, जो उनके ईमानदार हैं जी, क्योंकि 2020 में जो सरकार आएगी उसके सामने हम ये तय कर सकें कि ये अधिकारी वास्तव में ईमानदार हैं। एक बहुत बड़ी बात है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कटघरे में हैं, जहां उन्होंने CCC की बात की थी, क्राइम करप्शन कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे, बार बार उन पर आरोप लग रहे हैं कि समझौता उन्होंने कर लिया जी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राह पकड़ ली है और लालू प्रसाद की राह पकड़ने वाले नीतीश कुमार को बिहार की जनता स्वीकार करेगी या नहीं करेगी ये तय बिहार की जनता को करना है। इसलिए कि ओरिजिनल पर अगर नकल की जाए तो फिर नकल क्यों, ओरिजिनल ही क्यों नहीं जी, बिल्कुल। यह प्रश्न बिहार की जनता के सामने आएगा और इस ऑप्शन पर हम चाहेंगे कि बिहार की जनता भी अपनी राय जरूर रखे जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक सुशासन बाबू की जो छवि थी वो धूमिल होते हुए नजर आ रही है, अब धीरे धीरे वो चीज सामने जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस तरह से बातें वही आ रही हैं। हम लगातार इस पर विश्लेषण कर रहे हैं, आप भी आंकड़े निकाल रही हैं और उस आंकड़ों के हिसाब से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने कहा कि सुशासन बाबू की जो छवि थी वो धूमिल होते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे यह भी वजह है कि जिन कारणों की वजह से लालू यादव के जो शासनकाल था उसको हटा के जनता ने जब नीतीश कुमार को लाया था तो उसके पीछे एक रीजन था, यह भी था कि जातिवाद नहीं करेंगे इन्होंने कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जनता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि कहीं क्या आप इस जातिवाद की छवि को स्वीकार करेंगे, क्या दोबारा ऐसी सरकार लाना चाहेंगे। तो ऐसे ही आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में और ऐसे ही तमाम विश्लेषण हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।